दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशंस एंड रिमार्केबल इंडिविजुअल्स जो अपनी कम्युनिटीज़ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का काम करते हैं। ऐसे ही लेह से लगभग 70 किलोमीटर दूर और सी लेवल से 14,000 फीट ऊंचाई पर स्थित गया गांव के 48 वर्षीय उर्गेन फुंटसॉग ने 20 से ज़्यादा वेराइटीज़ की फसलें उगाई हैं। उर्गेन जब 12 साल के थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता के निधन के बाद उर्गेन के पास जुताई बुआई आटा पीसना और सिंचाई चैनल्स बनाना ये सब सीखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। शुरुआत में उर्गेन अपने फैमिली फार्म में सरसों आलू मटर और जौ उगाते थे लेकिन उनकी फैमिली की इनकम का मेन सोर्स था पशुधन। बाद में अपने जनरेशन के कई यंगस्टर्स की तरह उर्गेन ने भी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अपना गाँव छोड़ दिया था पर अपनी माँ के घुटनों से जुड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स के कारण उर्गेन के पास अपने फैमिली फार्म को बनाए रखने में उनकी हेल्प करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक कि उर्गेन की सिस्टर ने भी शादी छोड़कर अपने पशुधन की देखभाल करने का फैसला किया। पहले उर्गेन बिना ज़्यादा सोचे समझे जो या आलू की खेती करते थे पर मार्च 2010 में लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से लद्दाख के फार्मर्स के एक ग्रुप के लिए 10 डेज का एक्सपोजर टूर ऑर्गेनाइज किया जिसमें इन फार्मर्स को श्रीनगर जम्मू और पूसा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ले गई। वहाँ इन फार्मर्स को फसलें उगाने के नए मेथड सिखाए। इन यूनिवर्सिटीज़ का टूर करने के बाद ही उर्गेन ने ग्रीन हाउस गैस का यूज़ करके नई फसलें उगाना शुरू किया। आज उर्गेन के पास लगभग 31 कनाल यानी 19,000 गज के करीब ज़मीन है लेकिन अपनी इस 31 कनाल की ज़मीन पर खेती करने के अलावा उर्गेन अपने भाई की 31 कनाल ज़मीन पर भी खेती करते हैं। गांव में उर्गेन मिट्टी का आदमी नाम से फेमस है क्योंकि उर्गेन खेती में बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके कपड़ों में हर समय मिट्टी लगी रहती है। इस 14,000 फीट ऊंचाई पर जहां इंसानों के लिए भी जीवित रहना मुश्किल है वहां उर्गेन डिफरेंट वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी फार्मिंग सिस्टम का की फीचर है कि वह एक कंपोनेंट के आउटपुट को दूसरे कंपोनेंट के इनपुट के रूप में यूज करते हैं जिससे उनकी खेती की कॉस्ट कम हो जाती है और उनकी इनकम बढ़ जाती है। उर्गेन अपनी इस सफलता का क्रेडिट कृषि विज्ञान केंद्र और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को देते हैं। उर्गेन ने खेत में राजमा ब्रोकली फूल गोभी पत्ता गोभी मूली की 4 वैरायटी स्ट्रॉबेरी और तरबूज जैसी कई तरह की फसलें उगाई हैं। उर्गेन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंडर दिए गए बेनिफिट्स का लाभ उठाया और अपने खेतों को ऑर्गेनिक बनाया। इस ऊंचाई पर फसल उगाना सच में काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर जाता है और हवाएं लगभग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है जो कि ग्रीन हाउस में यूज होने वाली पॉलीथीन सीट्स पर इम्पैक्ट डालती है। साथ ही हर साल 200-250 लोग इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स उर्गेन से ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स जानने आते हैं। साथ ही उर्गेन वहाँ के लोकल्स को ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए इनक्रेज करते हैं इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी मेहनत को सराहा और उन्हें स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फरवरी 2021 में मन की बात में उर्गेन की सफलता का जिक्र किया था। तो दोस्तों ऐसे रियल हीरोज की स्टोरी ही हमें मोटिवेट करती है। इनका इम्पॉसिबल कामों को पॉसिबल करके दिखाना ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छी वीडियो बनाएं। जय हिंद।